कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स स्टेप वन का लास्ट स्टेप है ये. स्टेप वन में हमें नेट प्रॉफिट तक की वर्किंग देखनी थी, तो उसमें टिल नाउ वी डिस्कस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, रिजर्व, डिविडेंड. नाउ लास्ट कंटेंट इज टैक्सेशन पार्ट. तो जो आपके सामने बैलेंस शीट है उसमें ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से अवेलेबल होगी, सेम पी एंड एल और रिजर्व की कहानी तो आप बार बार कर ही चुके हैं, और ये भी आपके सामने आ चुका है कि डिविडेंड को अब आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे. अगर वो प्रपोज्ड है तो आप फुटनोट के अंदर उसकी वर्किंग पाएंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आपको मिलेगा. तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को डील कैसे करके चलना है वो हमें इस पोर्शन के अंदर आपके सामने लेके आना है. तो ध्यान से कहानी समझना एक बार, कहना क्या चाहती है. सेम एक बार क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं तो थोड़ा सा पता लगे. ओपनिंग के अंदर हमारे सामने अगर पी एंड एल का पार्ट दे रखा है फॉर एग्जांपल 5 लाख का, और क्लोजिंग के अंदर वैल्यू गिवन है 8 लाख की. रिजर्व में ओपनिंग है 2 लाख की और क्लोजिंग में 3,70,000 की. प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग में 1 लाख है और क्लोजिंग में 1,40,000 है. बस एक इंफॉर्मेशन दिमाग में क्लियर रखना कि जब तक नेट प्रॉफिट, सुनना ध्यान से, जब तक नेट प्रॉफिट आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहुंचा नहीं देते हैं तब तक प्रोविजन फॉर टैक्स का नाम नहीं लेंगे. मतलब जो अभी तक की कहानी की है पहले वो स्टेप पूरा हो जाना चाहिए, उसका इफेक्ट जहां जहां जाना है चले जाना चाहिए. ये सारी वर्किंग होने के बाद देखेंगे टैक्स के बारे में क्या क्या बोला गया है. ये माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना. मिक्सअप ना हो कहानी कि सर डिविडेंड भी दे दिया, रिजर्व भी दे दिया. ना 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 ना, गलती से भी ना हो ये कहानी. तो करना क्या, मान लो एडिशनल पॉइंट के अंदर बोल दिया वही प्रपोज्ड डिविडेंड है आपके सामने 17-18 का, मान लो 60,000 का, और 18-19 का है 75,000. तो इतनी सी बात आपके सामने दे दी है और आपसे पूछा गया है कि बेटा इसका इफेक्ट कैश फ्लो में क्या होगा. तो हमने अभी तक जो जो भी बात की है कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर आवर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एनी इश्यू? नो सर. वी हैव टू प्रिपेयर रिजर्व अकाउंट, we have to prepare dividend account. क्या हमने टैक्स का नाम लिया? नहीं सर, टैक्स का नाम कहीं भी नहीं लेना है जब तक ये वाला स्टेप पूरा होकर कैश फ्लो में पहुंच नहीं जाता है. तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर आपके सामने बीडी 5 लाख की वैल्यू गिवन थी, सीडी 8 लाख की वैल्यू गिवन, रिजर्व के अंदर बीडी 2 लाख का गिवन है, सीडी 3,70,000 का गिवन है, डिविडेंड 17-18 के लिए 6 लाख था. तो ये ड्यूरिंग द ईयर पे हो गया होगा अगर अलग से कुछ नहीं बोला तो. लास्ट ईयर का जो प्रपोज होगा वही साल हमने पे कर दिया है. इस साल का जो प्रपोज्ड है वो अगले साल पे होगा. अब हमें पेमेंट बेस पर पीएनएल से उसकी वर्किंग डील करनी है. अर्लियर वन वाज फ्रॉम द प्रपोज्ड डिविडेंड, तो हम उसको प्रपोज्ड को अपनी बुक्स के अंदर दिखाते थे, लेकिन अब आपको वो इफेक्ट दिखाकर नहीं चलना है. तो आप क्या करेंगे सर, जो 60,000 है वो आपने पे कर दिया होगा, तो ये बैंक के नाम से 60,000 की वैल्यू आ गई. तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से आपने 60,000 निकाले होंगे.
और रिजर्व से डिफरेंस वैल्यू आएगी रिजर्व के अंदर, तो आपके सामने 170 पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितने का, 1,70,000। तो इन दोनों वैल्यूज को आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में डाल देंगे, रिजर्व के नाम से वैल्यू आ गई है 1,70,000 और डिविडेंड के नाम से वैल्यू आ गई है 60,000 और ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो आप कहेंगे 170 प्लस 60 प्लस 8 लाख, 10,30,000 माइनस 5 लाख, दैट इज 5,30,000। अभी तक हमने कहीं भी प्रोविजन फॉर टैक्स का नाम नहीं लिया है और आप इसका कैश फ्लो में क्या करेंगे? सर कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल आ गया 5,30,000 और इन्वेस्टिंग में कहीं भी इसका इफेक्ट आएगा क्या? नहीं सर, इन्वेस्टिंग में अभी कुछ नहीं आने वाला। फाइनेंसिंग में आएगा क्या? यस सर, डिविडेंड पे किया गया है तो डिविडेंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। सर डिविडेंड कितना पे किया गया है? सर 60,000 का पे किया गया है, क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। डन डन। ये जब डल जाए, ये जो इंफॉर्मेशन आपने अपने फॉर्मेट में डाल दी है, इसके बाद प्रोविजन का नाम डील किया जाएगा। क्या कहना चाहता है समझिए ध्यान से, लास्ट ईयर का जो अमाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, जिस तरीके से प्रपोज डिविडेंड को डील किया था ना आपने, सेम वैसे ही काम करेंगे। तो टैक्स एक्चुअल में कितना बनेगा वो डिपेंड करता है असेसमेंट के बाद, तो हम अपनी तरफ से एस्टिमेशन बेस पर टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस बोला गया होगा, आप उसका बीडी और सीडी डालिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो बीडी हमें ओपनिंग में गिवन है 1,00,000 का और क्लोजिंग में कितना गिवन है? 1,40,000 का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर पूरा ध्यान सामने हो, 1,00,000 और 1,40,000। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कहना चाह रहा है, इसे आगे अगर नीचे इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दी है, तो जो ओपनिंग का अंदर हमारा जो अमाउंट है वो ड्यूरिंग द ईयर हमने पे कर दिया होगा, जो टैक्स का प्रोविजन एस्टिमेशन लास्ट टाइम हमने बनाया था वो ड्यूरिंग द ईयर हमारा क्या हो गया होगा? पे हो गया होगा। और ये इस साल में बनाया गया है, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है। तो 1,40,000 यहां पे आएगा, समझिए ध्यान से। आपने कहा सर हमने पी एंड एल अकाउंट के लास्ट इफेक्ट को उठाया नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है ये उठा है आफ्टर टैक्स, इसमें से हमने प्रोविजन को लेस किया होगा, इससे पहले होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आर यू गेटिंग? और जो अभी तक की मेहनत करके हमारे सामने, लाइक हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, इसमें बीडी डाला है, सीडी डाला है, हमने जो रिजर्व अकाउंट बनाया है, पूरा ध्यान देना एक बार, हमने जो डिविडेंड अकाउंट बनाया है, उन सबसे अभी का आउटकम कौन सा निकला है? सर इसमें निकला है जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली बात है।
अब जो प्रोविजन हमने इसके अंदर डाला गया होगा वो टैक्स एक्चुअल में कैश में तो पे नहीं हुआ। तो अब हमने कहा कि ये जो अकाउंट आपने बनाया कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट डाला गया होगा, सर 1/40 का इफेक्ट वहां दिखा रखा है, क्या ये कैश में है? नहीं सर। तो हम इसको एड बैक करते हैं, क्या करते हैं? एड बैक करते हैं। एड बैक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,40,000, ठीक है, और इसमें से हम लेस कर देते हैं लास्ट में टैक्स पेड, कितने का? जो बैंक के नाम से हमारे सामने इंफॉर्मेशन आई होगी, कितने की आई थी सर? 1,00,000 की पेमेंट लास्ट में आई होगी। तो ऑपरेटिंग का जब पूरा फ्लो खत्म हो जाता है उसके बाद लास्ट स्टेप में टैक्स पेड हम लेस करते हैं। मीनिंग समझिए, हमने जो कंटेंट निकाला है सर वो कंटेंट पी एंड एल का लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपने प्रोविजन लेस किया होगा लेकिन प्रोविजन कैश में पे नहीं किया गया है, तो हमने उसको एड बैक करके हम कहां पहुंच गए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहुंच गए। अब जो एक्चुअल में पे किया गया है वो लास्ट में ऑपरेटिंग के एंड में लेस किया जाएगा, गॉट इट। तो एक और छोटे से एग्जांपल से ये कहानी, आलसी मत बनना बेटा, इस क्वेश्चन के बाद हम जाएंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस कहानी को लास्ट वर्किंग है ध्यान से एक बार लगा के अलविदा कह देना, जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा। तो पी एंड एल गिवन है बेटा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ओपनिंग में गिवन है 6,00,000 का और क्लोजिंग में गिवन है 9,50,000 का। रिजर्व ओपनिंग में गिवन है 1,00,000 का, क्लोजिंग में गिवन है 5,00,000 का। फिर हमने कहा कि प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 50,000 एंड 80,000, ठीक है बेटा। तो ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, हमने छोटे पार्ट में प्रैक्टिस इसलिए की है कि जब फुल फ्लेश पार्ट में ये वर्किंग आएगी तो डेफिनेटली आपका ये जो स्टेप है प्रेशर नहीं करेगा। और मैंने कहा ये स्टेप जिसका कंट्रोल में है आगे वाली दिक्कत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो हमने यहां तक करना क्या है सर, यहां तक डिविडेंड भी डाल लीजिए आप, अगर हमने लास्ट ईयर का डिविडेंड प्रपोज किया है तो वो आ गया मान लो 90,000, और अगर करंट ईयर का है अमाउंट 70,000। अब जितनी भी वैरायटी क्वेश्चन हो सकते हैं ना वो एग्जाम्पलों में प्रैक्टिस में हम सारे ही सारी वर्किंग कवर अप कर सकते हैं, बस आप कोशिश कीजिए कि अपने दम पर उन वर्किंग को लगाइए। तो पहले आप इस वर्किंग को एक बार अपने पार्ट पर लगाने की कोशिश कीजिए, फिर नेक्स्ट कंटेंट में हम इसको कंक्लूड करा के फिर एंट्री मारेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चनों की तरफ। स्टार्ट योर वर्किंग।